Are you planning to visit Maldives and you are exploring for the stay options in Maldives, or you have already finalized paradise island resorts? Then you are at the right place. In this video, I am going to explore paradise island resort in details. And in this video, I am not going to use any language so that this video can be relevant to all the viewers across the globe. So let's explore paradise island resort with me. Thank you.
If you are looking for the lowest itinerary quote for your Maldives trip, then just comment below. I will help you in getting the lowest quote for your Maldives trip. तो ये कपड़ा रखने के लिए है सारा कुछ आप देख सकते हैं सारे अपने जो ये लॉकर है अगर आपको कोई कीमती चीज हो तो इसके अंदर आप रख सकते हो अपना इस साइड जैसे ही आप रूम के अंदर आते हैं जैसे ही आप अपने वाटर विला में आते हैं तो आप देख सकते हो आपके लेफ्ट साइड में बहुत ही लग्जरियस वॉशरूम है ये देख लो सेपरेट बाथिंग एरिया है यहाँ पे उसके बाद वॉश बेसिन डायरेक्ट एक्सेस है ये आपके सी का डायरेक्ट एक्सेस है ये भी अब मैं आपको बाथरूम भी दिया हुआ है यहाँ पे आपको यूज करने के लिए टॉवल के साथ साथ अब आगे चलते हैं प्रेस करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेस भी है जैसे आप और सबसे पहले जैसे ही आप रूम में आते हैं तो एक आपको मिरर मिलता है बहुत ही बड़ा उसके बाद जैसे ही आप रूम के अंदर आते हैं तो पहले आपको ये सेक्शन में दिखाता हूँ इस सेक्शन में जब आएंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे लिकर भी रखे हुए हैं जो चार्जेबल होगा जैसे ही आप यूज करोगे इसको तो ये चार्जेबल बेसिस पे होगा यहाँ पे रूल है कि आपको पर डे पर पर्सन वन बॉटल मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो देख सकते हैं हम दो लोग हैं तो दो बॉटल यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है रूम के अंदर दो अम्ब्रे ये टी मेकर जो है वो सारा कुछ फ्री है ये आप यूज कर सकते हैं मिनी बार दिया हुआ आप इस्तेमाल कर सकते हो चार्जेबल बेसिस पे अम्ब्रेला आपके यूज के लिए अम्ब्रेला दिया हुआ है तो इसे आप यूज कर सकते हैं ये कैबिनेट मिनी बार मिनी फ्रिज है आपका जो चार्जेबल होगा इसमें काफी सारे आइटम्स रखे हुए हैं आप देख सकते हैं क्लियरली सो ये सारी चीजें चार्जेबल बेसिस पे हैं सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अब मैं दिखाता हूं आपको बड़ा ही कंफर्टेबल बेड ये आप देख सकते हैं ये बेड है सॉरी सो ये बेड सो कंफर्टेबल बेड है आपके लिए बहुत ही बड़ा रूम है ये बहुत ही बड़ा रूम है ये छोटा रूम नहीं है जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले आपको वीडियो भी मैंने डाला था अपने बीच विला का तो बीच विला से अगर मैं ये वाटर विला का मैं अगर कंपैरिजन करूं तो ये पैराडाइज का मतलब उसके कंपैरिजन में तो 1.5 टाइम्स में बोल सकता हूँ बड़ा रूम है ये उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सोफा है आपके लिए सो यू कैन रिलैक्स ओवर हियर टीवी है रूम के अंदर टीवी में मतलब दिखाना भूल गया था आपको तो ये टीवी है बड़े साइज का सो जो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है वाटर विला का कि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है सी का वो मैं आपको दिखाता हूँ प्लीज कम सो हैव अ लुक ये वर्लपूल है यहाँ पे सो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है यहाँ पे सी का देख सकते हैं सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो है ट्यूब भी रखा हुआ है आपके सेफ्टी के लिए एंड दो चेयर्स रखे हुए हैं यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए एक बड़ा ही कंफर्टेबल
सोफा कम बेड भी है यहाँ पे, ये भी है। और जो मैंने आपको बोला था कि जो वॉशरूम से डायरेक्ट एक्सेस है आपका सी का, वो आप देख लो ये पास पे है। So thanks for watching this video till end, guys. Hope I helped you in getting the complete feel of Paradise Island Resort, because I have already explored this property in details. So thank you so much for watching this video till end. If you have not subscribed my channel, then please subscribe the channel. If you like the video, then hit like button and do comment in comment box if you have any questions related to Maldives. See you soon in my next vlog. Thank you so much. Bye. Take care.